कुछ चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले आदमी के पास धैर्य होना चाहिए, क्योंकि दूध बिलोन लाग जाना और जिसमें थोड़ा सा भी बिगड़पना आ जाए, गर्म हो जाए ज्यादा, ज्यादा ठंडा हो जाए तो घी लकड़ के नहीं देता वो, उसकी तासीर बिल्कुल ओके होनी चाहिए जब जाके घी लकड़ा। ठीक उसी तरह से यदि भक्ति एकदम ओके होगी तभी जाके देवता प्राप्त होते हैं, तभी जाके भक्ति प्राप्त होती है, और उसके लिए धैर्य की जरूरत होती है, सब्र करना पड़ता है। इसके साथ साथ आदमी की नियत एकदम साफ और सुथरी होनी चाहिए भगत की। जय भगत बेईमाने में फंसेगा तो ज्योतराम जी कुछ दिन साथ देते हैं लोगों, हालांकि वो वचन में बंधे हुए होते हैं। जब भी भगत पूजा देगा ज्योतराम जी को आना ही पड़ता है, और वो पूजा देते हैं, ज्योतराम जी में कोई कमी नहीं है। लेकिन कई बार भगत लोग अपने आप को पाप में डुबो लेते हैं, जो आपको बड़ा धाम में देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज नियत एकदम साफ होनी चाहिए इंसान की, बेईमाना शरीर के अंदर अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आदमी लंगोट का पक्का होना चाहिए, सुच्चा होना चाहिए भगत। यदि भगत एक जगह से भी कच्चा होगा तो ज्योतराम जी महाराज कभी उसके आसपास भी नहीं आएंगे। सदन सेवकों के लिए भी इस भजन के अंदर कुछ बातें हैं, भक्तों के लिए बातें रख रहा हूं, सुनिए कैसे। नीत बेईमान हो गलत जगह ध्यान हो, यो भक्ति का उसूल नहीं, वा सेवा हो कबूल नहीं, वा सेवा हो कबूल नहीं। चार गुण जरूर होना चाहिए सजनों,
और ये गुण तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये हर आदमी के अंदर होना चाहिए। भगवान के यदि हम भक्ति करते हैं तो आदमी को अपने हृदय से सच्चा होना चाहिए, हर तरह से दूसरों की भलाई करने वाला सोचने वाला होना चाहिए, दूसरे के बारे में पाप और निंदा चुगली इन सब चीजों को छोड़ने वाला होना चाहिए। इंसान के पास ये सारी चीजें जरूरी है। दूसरी कले में बता रहा हूं, सबसे बड़ी गलती है। थोड़ी आवाज दो भाई, आवाज आप लोगों ने कहा था, हम नियम नहीं बनाते। यदि नेम टेम पक्का हो तो देवता को तो आना ही पड़ेगा। तड़के जे 7 बजे का टेम बांध लिया सजनों, तो 7 बजे बाबा की धोक पूजा कराया करो। वो बाट देखे से 7 बजे आकर खड़ा हो जाएगा, बेटा मैं तो आलिया तू किससे। अर्जय भगत बने पाछे आदमी न्यू सोचने लगा, भाई तो बाबा तेरे हिसाब से चल लगा, तू भगत बनेगा तो सजन वो नहीं चलता। जोतराम जी 2 दिन बाट देखे, भगत जी 4 दिन बाट देखे, फिर क्यों आओगे बाबा। मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बता रहा हूँ सजनों क्योंकि आदरणीय भगत जी का बहुत मान सम्मान है, इज्जत है। कारण क्या है, इन्होंने अपना शरीर के ऊपर कष्ट सह के जोतराम जी को प्राप्त किया है। यदि इनके शिष्य बनो तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तीसरी कले में बता दूं, समान होती है। जिस तरह से विद्यालय में
एक अध्यापक के पास 40-50 बच्चे होते हैं और वो उन सबसे समान रूप से प्रेम करता है, अपने बच्चे के बराबर उन सब बच्चों से प्यार करता है। ठीक उसी तरह से आप सब भी भगत का परिवार हो, भगत अपने बच्चों की तरह अपने परिवार की तरह आपसे प्यार करता है सजनों। और ये जरूरी भी है, यदि भगत ऐसा नहीं करता तो वो अपने धर्म से अपने फर्ज से पीछे हट रहा है। भगत को चाहिए कि वो अपने सभी साथियों से सभी सेवकों से समान रूप से प्रेम करे, सभी को एक नजर से देखे, कहीं एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भावना ना रखे। आखिरी कली में रख रहा हूं, बता दिया कि भगत की नीयत अच्छी होनी चाहिए और भगत का प्रेम सच्चा होना चाहिए। क्या बताया? बोले